देखी आपने मूवी याद सही मोहनजोदड़ो It was amazing, superb. The production, Ashutosh Govrikar, as usual, he stood by, and it is an amazing movie. Special effects were out of the world. Okay, tell us about Hrithik's performance as an actor. He's already stood up, so he's right there at that level. I'm sure he's done the best part here. Okay, what do you have to say about the music of the film? You know? Music of the film, yes. Initially, when I was watching on TV, of course, I didn't like. But when I saw, in the theater, of course, I'm going to go ahead and download the songs. They are very nice. Okay, tell us about the entire set. I got goosebumps on. So the sets were also superb. Very nice, very nice. The chemistry between Hrithik and the leading. Hopefully, to see them in more movies. Okay, how you want to rate it out of 5? 4.5. Do you think this is a total paisa vasool film? Absolutely yes. It's one time watch, but it's superb movie and full power paisa vasool. Thank you so much. Please go ahead and watch the movie. Thank you. मैंने मोहनजोदड़ो देखी क्योंकि उसमें मैंने काम किया है. भले मैं पीछे हूँ तो मैंने काम किया. मैं उस मूवी का हिस्सा हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी. नाइस मूवी. ऋतिक रोशन ने भी बहुत अच्छा काम किया और सबसे बड़ी बात कबीरवेदी ने भी बहुत अच्छा काम किया क्योंकि मैं सैड विलन में हूँ जो भीड़ में जैसे भी है. सर इतनी बड़ी मूवी का हिस्सा होना बहुत बड़ी बात है सर मेरे लिए. ठीक है ना. मुझे अच्छा लगा. ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स था? ऑडियंस का सर अच्छा है. बात करें सेट की, बात करें म्यूजिक की, बात करें आशुतोष हमेशा से उस चीज़ के लिए जाने जाते हैं. आशुतोष गोवारिकर बहुत अच्छे डायरेक्टर है और सबसे बड़ी बात क्या है अच्छी मूवी है. नाइस मूवी. ऋतिक रोशन ने भी अच्छा काम किया और उस मूवी को 5 तो मिलना चाहिए. ओके मैम आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? मूवी बहुत ही अच्छी थी और जो भी आशुतोष गोवारिकर जी जो है वो सब डिपेंड करती है जैसे कि लगान और जैसे कि हाँ 14 अकबर और ये सब मूवी जैसे कि इतिहास पे डिपेंड रहती है. उनकी मूवीज बहुत ही अच्छी रहती है. ओके ऋतिक के परफॉर्मेंस के बारे में क्या बोलेंगे? ऋतिक की एक्टिंग के बारे में वो तो बहुत ही अच्छे एक्टर है. बहुत ही बड़े हैं और दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत ही अच्छी थी. हेगड़े और ऋतिक रोशन. ओके क्या 5 में से कितने स्टार देना चाहिए? 5 स्टार. क्या आप समझती है टोटल पैसा वसूल फिल्म है? यस हाँ. क्या वापस देखना चाहेंगे? हाँ देखना चाहेंगे. एक बार और देखेंगे. हम वही सोच रहे हैं कैमरा लेके पक्का रेडी रहना. थैंक यू सो मच. टेल अस यू नो व्हाट यू लाइक बेस्ट अबाउट द फिल्म. ऋतिक रोशन द ह्यूज फैन. ऑफ कोर्स द सिनेमेटोग्राफी एवरीथिंग वाज गुड. काफ़ी सीन्स थे. 2-3 सीन्स थे जो बहुत अच्छे थे. जैसे जो लास्ट का क्लाइमैक्स सीन है वो अच्छा था. फाइट सीन्स अच्छे थे उसमें. सॉन्ग्स अच्छे ऑफकोर्स ए आर रहमान. डायरेक्शन भी अच्छा है. लाइक डेट. खाली वो थोड़ा जो लव एंगल था वो थोड़ा कम पड़ गया. बट ओवरऑल मूवी अच्छी थी. मुझे अच्छी लगी बहुत. डू यू थिंक आशुतोष गोवारिकर एंड ऋतिक रोशन केमिस्ट्री ऑलवेज वर्क्स? यस ऑफ कोर्स. आई वॉच्ड 14 अकबर ऑल्सो. आई लव्ड इट. आई मीन ऑफ कोर्स आशुतोष गोवारिकर की डायरेक्शन अच्छी है. मैं काफ़ी मूवीज देखी हूँ उनके लिए लगान वगैरह. So I really love the way he, you know, thinks and make the movie. Okay, जिस तरह से सेट वगैरह बनाए हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऑसम सेट. इतना बड़ा ह्यूज सेट और पूरा वो जो देखा होगा मैंने कभी हिस्ट्री में ना वो पूरा सर आ रहा था सामने कि हाँ भाई ये मैंने देखा उस कल्चर्स मैंने देखे. तो हाँ देखा हुआ चल और बहुत अच्छी तरह से मतलब वो कॉपी करके ये करते हैं. म्यूज़िक के बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा म्यूज़िक. मुझे एक्चुअली मेरा फेवरेट गाना वो जो टाइटल ट्रैक है वो मोहनजोदड़ो का वो है. ऑफकोर्स बहुत अच्छा बनाया है वो विद म्यूजिक एंड एवरीथिंग. और जो वर्ड्स वगैरह जो उनके यूज़ किए बहुत बहुत बेहतरीन थे. केमिस्ट्री लीडिंग पूजा हेगड़े और ऋतिक की अच्छी है बट कम हो गई एक्चुअली. वो लव एंगल इतना दिखाया नहीं. खाली वो स्टोरी बेस पे ही थे पूरे. तो जितना था वो अच्छा था बट उतना नहीं था जितना एक्सपेक्ट किया था. ऑफकोर्स साथ वाले मतलब जो सीन्स थे उनके या फिर लविंग सीन्स थे वो कुछ इतना ज़्यादा नहीं था. ऑफकोर्स मैं तो ऋतिक को देखने गया था. मैं तो उनका ही फैन हूँ तो फुल ऋतिक रोशन को ही देखा था. आउट ऑफ 5 कितना रेट करना चाहिए? आई विल गिव इट 5 फॉर ऑल द सीन्स एंड एवरीथिंग. नॉट ओनली ऋतिक रोशन बट फॉर सीन्स एंड एवरीथिंग ऑल्सो द लास्ट एंड द क्लाइमेक्स द बेस्ट पार्ट. पीपल विल एंजॉय. थैंक यू सो मच. यू आर वेलकम. स्टूडेंट देखिए आपने मोहनजोदड़ो कैसी लगी फिल्म आपको? इट्स ऑसम मूवी. एवरीथिंग इज वाज लाइक रियल. सब कुछ अच्छा है उसमें और एज यूजुअल ऋतिक ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है और सब कुछ अच्छा ही है. पूजा दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी. एक्चुअली नई एक्ट्रेस है बट वी कैन एक्साइटेड हर बिकॉज इसने अच्छा काम किया पहले ही शो में पहले ही मूवी में वी कैन से. एंड हिस्टोरिकल मूवी है तो एज यूजुअल जोधा अकबर थी वैसे ये भी हिस्टोरिकल मूवी है. तो वो भी विजुअल्स थे जो भी सेट था बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अच्छा लगा. ऐसा कुछ सेट वेट लगा नहीं. बहुत ही रियल था. ओके 5 में से कितने स्टार देना चाहिए? आई कैन गिव हिम 4. ओके क्या वापस देखना चाहेंगे ऋतिक रोशन की? मैं मोहनजोदड़ो मूवी देख के आ रही हूँ. ऋतिक बहुत अच्छी फिल्म लगी. ऋतिक का एक्सप्रेशन एक नंबर. उनका डांस
एक्टिंग, वो जो एक सॉन्ग है उनका लव सॉन्ग, वही मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने उनके सेट के बारे में क्या कहना है? सेट का बहुत अच्छा सेट है, ऐसा लग रहा था, ऐसा लगा नहीं कि एक बनाया हुआ मूवी है, रियलिटी ऐसा लग रहा था, बहुत अच्छी लगी मुझे मूवी। आप भी जाइए देखने जरूर। कितने स्टार देना चाहेंगे? 5 में से 5 में से 5। थैंक यू। पिक्चर बहुत अच्छी लगी मुझे, आर्ट डायरेक्टर का काम बहुत जबरदस्त है इसमें, फोटोग्राफी बहुत जबरदस्त है, स्टोरी थोड़ी स्ट्रेच की है लास्ट में। 3-3 ब्रिलियंट 3.5। ऋतिक यार इज मास्टर, इज मास्टर यार। ट्रेलर के बाद एक्सपेक्टेशन थोड़ी डाउन हो गए थे, लेकिन वैसा नहीं, फिल्म कमाल की और बननी चाहिए हिंदी सिनेमा में ऐसी फिल्में। 5 स्टार्स बहुत अच्छी लगी, बहुत सुपर, नेचुरल नेचुरल एक्टिंग। But it is a very poor cousin of Bahubali. It is not going to work as much. Not happy at all. 2-2.5 Pooja Hegde's eyes were awesome. That was the only saving grace. Apart from that, it's even Jodha Akbar was better than this. Much better. Songs were only one song. Expectations were very low. I'm sorry about that. Medium. Okay. 3 काम अच्छा है, पूजा हेगड़े का भी काम अच्छा है। क्या बहुत लगाई रखी है, इसलिए तो हम लोग फर्स्ट रो में आए। नहीं, फिल्म बहुत अच्छी लगी, ऋतिक की एक्टिंग अच्छी थी, स्टोरी भी बहुत अच्छी थी, अलग हिस्ट्री में ऐसी मूवी फर्स्ट टाइम लगी जो इतनी बोर नहीं हुई, स्ट्रेच थी और इट वाज ऋतिक था इसलिए मूवी अच्छी लगी। सॉन्ग वाज आल्सो वेरी गुड, वेरी गुड सॉन्ग बाय यार रहमान, ओवरऑल इट वाज गुड मूवी। फिल्म काफ़ी अच्छी थी, 4.5 to 4 stars। सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे, ए आर रहमान ने डायरेक्ट किए सारे सॉन्ग्स, तो ऑब्वियसली सबसे अच्छे ही होंगे वो। ऋतिक रोशन इज ऑलवेज ऑसम, उसके बारे में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है।